और दिल्ली में रेट माइनर्स का घर ढाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड टनल रेस्क्यू के हीरो पर पहर टूटा। वकील हसन ने घर ना गिराने की रिक्वेस्ट की थी। रेट माइनर्स टीम लीडर के मकान पर यह बुलडोजर चला है। डीडीए ने वकील हसन के अवैध घर को गिरा दिया है। दिल्ली के खजूरी खास में यह घर गिराया गया है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये वकील हसन का घर है। वकील हसन वही हैं जिन्होंने रेट माइनर्स बनकर उन तमाम मजदूरों को बाहर निकाला था, वो भी उन रेट माइनर्स में शामिल थे। उन्होंने कहा कि जब तक नया घर नहीं बन जाता वो अनशन करेंगे, ये कहा है वकील हसन। उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में पिछले साल नवंबर में 41 मजदूर फंस गए थे और उन मजदूरों को रेट माइनर्स की मदद से ही बाहर निकाला गया था। इन रेट माइनर्स ने जांबाजी दिखाई थी, अंदर गए थे और गुफा से इन 41 मजदूरों को सकुशल बाहर लेकर आए थे और उन्हीं रेट माइनर्स में से एक हैं वकील हसन, जिनके घर को आज बुलडोज कर दिया गया। 28 फरवरी को डीडीए ने वकील हसन के अवैध घर को गिरा दिया था, जिसको लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। वकील हसन हूँ जिन्होंने ये मुन्ना कुरैशी, हम लोगों ने सिलगारे में 41 लोगों को बचाया था और उसका सिला हमें इस चीज़ से मिला। हमारा जो मकान रहने का था, जिसके लिए हमने सभी प्रेस वालों से भी बोला था कि हमारा मकान हमें दे दीजिए, हमारे लिए यही इनाम है। और उसमें बच्चे भी पढ़ाए जाते थे, बच्चे ही पढ़ाते थे हम अपने घर में, और वहाँ बच्चे भी पढ़ रहे थे हमारे, और डीडीए वालों ने बिना बताए आके उसमें। देखिए, पूरे दिल्ली के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और डीडीए के माध्यम से लोगों के घरों को उजाड़ने का अभियान चल रहा है, मुझे लगता है कि ये काफ़ी दर्दनाक है। और उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण आज सबके सामने आया है। जिन लोगों ने दिल्ली से जा कर के उत्तराखंड के अंदर लोगों की जान बचाई, आज उनको वो बेघर होकर के सड़क पे घूम रहे हैं। इतने सालों से वो वहाँ रह रहे थे। तो इतना अमानवीय तरीके से जो ये अभियान चल रहा है, मुझे लगता है कि तुरंत इसको रोकना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करती है सरकार, तब तक किसी के घर उजाड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। और इस खबर पर मेरे दो सहयोगी बने हुए हैं, मोहम्मद अफसर न्यूज रूम से मेरे साथ बने हुए हैं, इसके अलावा अक्षत गुप्ता भी मेरे साथ बने हुए हैं। अफसर, क्या ये पूरा मामला, क्या पहले कोई नोटिस दिया गया था? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि डीडीए ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है इस बारे में और बताया है कि कई बार वकील साहब को बताया गया था कि ये जो आपका घर है उसमें इंक्रोच्ड एरिया बहुत सारा है, और पहले भी 2016 में भी नोटिस दिया गया था, 2017 में भी नोटिस दिया गया था, और फिर इसे हटाने के लिए भी कहा गया था। और साथ ही ये भी कहा कि जब इंक्रोचमेंट को हटाया गया, और जिस वक्त हटाया जा रहा था, ना ही उसके पहले पता था, ना ही जिस वक्त इस इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा था उस वक्त भी नहीं पता था कि वकील साहब कौन हैं, इनका योगदान क्या था, और जब पता चला डीडीए को तो तुरंत उसके बाद ये कहा है कि हमने उन्हें ऑफर किया कि हम ऑल्टरनेट आपके रहने की व्यवस्था करते हैं, लेकिन वकील साहब ने कहा कि हमें वही घर दोबारा बना करके देना है। वकील साहब कह रहे हैं, असल में हम बता दें कि वकील इनका नाम है, इनका नाम वकील हसन अहमद, ये प्रोफेशनली वकील नहीं है। बिल्कुल, तो वकील हसन ने फिर से कहा कि मुझे वही घर चाहिए जो डीडीए ने तोड़ा है। तो उसके बाद फिर डीडीए ने क्लियरली कहा है कि ये हमारा एक रूटीन होता है, हमने कोई जानबूझ करके कोई टारगेट नहीं किया है वकील हसन को। तो हमने पूरा घर जमींदोज किया गया है या सिर्फ एनक्रोचमेंट हटाया गया? इंक्रोचमेंट वाला पार्ट हटाया गया है। और साथ ही ये भी कहा है बार बार कि 2016 में भी हमने नोटिस दिया था, 2017 में भी नोटिस दिया था, लेकिन वो लगातार इंक्रोचमेंट कर रहे थे। लेकिन वकील हसन का स्टेटमेंट हमने सुना था कि पूरे इलाके में, जो खजूरी इलाके में, सिर्फ उन्हीं के घर को टारगेट किया गया है, लेकिन डीडीए ने कहा है कि हमने 3 घर आइडेंटिफाई किए थे जिसने इंक्रोचमेंट किया था और उसमें से इनका भी एक था। तो ये हमारा एक रूटीन प्रक्रिया है जिसमें कि जो भी इंक्रोच्ड एरिया होता है, जो भी अवैध निर्माण
निर्माण होता है उसको हम गिराते रहते हैं और जहां पर भी, ताकि बाकी लोगों को असुविधा ना हो। लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि हमें बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं था और यह पता नहीं था कि ये वही शख्स हैं जिन्होंने सिलक्यारा के ऑपरेशन में काम किया है और इसीलिए हमने उन्हें ऑफर किया है। हालांकि वकील हसन ने मना भी कर दिया कि हमें वो कोई सुविधा नहीं चाहिए, लेकिन अब डीडीए यही कह रहा है कि हमने कोई टारगेट नहीं किया है क्योंकि वो इंक्रोचमेंट था और इसीलिए हमने उसे तोड़ा है। जी, अक्षित भी मेरे साथ, क्योंकि इस पर सियासी बयान भी आने शुरू हो गए, हम दिखा भी रहे हैं, आप स्क्रीन पर देखिए, प्रियंका गांधी का बयान आया, अखिलेश यादव का ये बयान आप देख सकते हैं कि क्या इसी तरह से ही नाम देती है अच्छे काम करने के लिए बीजेपी। अक्षित, किस तरह के बयान आ रहे हैं, किन किन के बयान आ चुके हैं अब तक? जी बिल्कुल, देखिए एक दिन बाद ही जब वकील हसन, जो कि एक रैट माइनर थे और जो सिलक्यारा टनल ऑपरेशन में भी थे, जब उनका हाउस जो है डीडीए ने डिमोलिश कर दिया, तो उसके बाद जो है सियासत भी जो है इस पर शुरू हो चुकी है। और कहीं ना कहीं आज हमने देखा कि सौरभ भारद्वाज जो है आम आदमी पार्टी के नेता, उनका भी बयान आया और उन्होंने कहीं ना कहीं बोला कि जो घर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर दिए गए थे उसके हिसाब से जो है वकील हसन का जो घर है वो ऐसे गिराया नहीं जाना चाहिए था। और कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी को बोला कि उनका घर जो है गिरा देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो बयान है सियासी रूप से वो देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल आपने बताया, प्रियंका गांधी का भी बयान आया है जी। इस पर सियासत जो है बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है और वकील हसन का भी यही कहना है कि उनको पहले नोटिस नहीं दिया गया था और फिर उसके बाद जो है उनको पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। वो मुन्ना नाम के एक शख्स के साथ पुलिस स्टेशन गए थे। मुन्ना वो है जो खुद भी एक रैट माइनर है और वो भी जो है सिलक्यारा में उस वक्त मौजूद थे जब उन्होंने पूरे ऑपरेशन को कैरी आउट किया था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि हमें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा और अब हम यही चाहते हैं कि हमें जो है अपना यही वाला घर वापस मिल जाए। अब क्या कहना है डीडीए का, आप कोई बयान आया है डीडीए का इस मामले पर? अफसर ने बताया कि कोई टारगेट करके नहीं किया गया है, लेकिन अब किसी तरह की क्षतिपूर्ति की बात हुई है? डीडीए का ये कहना है कि ये रेगुलर डेमोलिशन ड्राइव जो करते हैं जो एंक्रोचमेंट को हटाने के लिए, वही डेमोलिशन ड्राइव थी और ये खजूरी का जो एक गांव है वहां पर करी जा रही थी। तो डीडीए का भी यही कहना है कि जो लैंड है वो प्लान डेवलपमेंट लैंड का पार्ट था और उन्होंने इसके रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट भी इशू करी है और कहने के उन्होंने बोला है कि ऐसे कई स्ट्रक्चर जो कि अवैध रूप से बनाए गए थे उन सब स्ट्रक्चर्स को जो है हटाया गया है। खजूरी खास में किस जगह का ये वाकया है अफसर? बिल्कुल, खजूरी खास में ही रहते हैं, प्रॉपर खजूरी खास में ही है और जैसा डीडीए ने बताया, क्योंकि डीडीए ने बकायदा एक बहुत लंबा चौड़ा प्रेस रिलीज जारी किया है और बार बार उसमें ये कहा है, क्योंकि उसमें लिखा है उन्होंने बार बार कि हमने पहले भी 2017 में भी नोटिस दिया था, उसके पहले भी नोटिस दिया था, लेकिन जैसा वकील हसन कह रहे हैं कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला, लेकिन डीडीए कह रहा है कि हमने नोटिस दिया था कि आप इस इंक्रोच्ड एरिया को हटाइए और उसके बाद हमारा एक रेगुलर ड्राइव होता है जहां फिर भी इंक्रोचमेंट होता है। सिर्फ खजूरी खास की बात नहीं, पूरी दिल्ली में जो जो एरिया डीडीए के अंडर आता है तो जहां पर भी इंक्रोचमेंट होता है वो रेगुलरली अपने ड्राइव के तहत उसको हटाते रहते हैं और इसी ड्राइव का ये हिस्सा था कि उसको तोड़ा गया। और साथ में डीडीए ने ये फिर से जोर देकर कहा कि किसी भी पॉइंट पे हमें ये नहीं पता था कि वकील हसन वही शख्स हैं जिन्होंने सिलक्यारा रेस्क्यू में काम किया था। उसके बाद तुरंत डीडीए के अधिकारी वहां पर गए, उनको ऑफर किया कि हम आपको अल्टरनेट सुविधा दे रहे रहने के लिए, लेकिन वकील हसन ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो जहां रहते थे वहीं पर उनको प्रॉपर बना करके दिया जाए तभी मानेंगे और नहीं तो हम अनशन पर बैठे रहेंगे। इलाके के लोगों का क्या कहना है, जो आसपास के लोग थे, उनके पड़ोसी थे, उन्होंने कुछ प्रतिक्रियाएं दी हैं? ये सवाल मुझसे है जी। हाँ, तो इलाके के लोगों में भी नाराजगी थी क्योंकि सभी लोग, क्योंकि एक जो इमोशनल सपोर्ट होता है वो वकील हसन के साथ है, क्योंकि पूरे देश ने देखा किस तरह से वकील हसन ने काम किया था, किस तरह से वकील हसन ने उस रेस्क्यू ऑपरेशन में लोगों की जान बचाई थी। खुद हमारे साथी अक्षित अभी साथ में है, अक्षित वहाँ कवर करने गए थे, उन्होंने खुद सामने देखा भी था कि किस तरह से वकील हसन और उनके साथियों ने वहां पर काम किया है। तो डीडीए ने इस पॉइंट क्या क्या रोल था वकील हसन का इस पूरे ऑपरेशन में? अक्षित,
जी बिल्कुल, देखिए एक बहुत अहम रोल जो है वकील हसन का और जो 12 राइट माइनर्स हैं उनका इसमें रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब सारी मॉडर्न तकनीक जो है उन्होंने काम करना बंद कर दिया था तो तब ये राइट माइनर्स ही थे जो एक लाइफ सेवर की तरह आए थे और इन्होंने जो है अपने हाथों का इस्तेमाल करके और जो कुछ औजार होते हैं उनका इस्तेमाल करके जो है जब जो मिट्टी थी जो फंसी हुई थी 50 मीटर तक उसको जो है हाथों से हटाया गया था, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अहम रोल था क्योंकि लगभग 17 दिन तक जो है वो 41 वर्कर अंदर ही फंसे रहे। उसके बाद जो है इनको बुलाया गया और कहीं ना कहीं पूरी टीम को जो है इन्होंने लीड किया और उसी के बाद जो है एक राहत की सांस जो है पूरे देश को देखने को मिली थी जब इन राइट माइनर्स ने इस पूरे ऑपरेशन को कैरी आउट किया था। जी, उसके बाद तो इनका इनको काफी इनाम भी मिले थे, अलग अलग सरकारों ने इनको नवाजा था इनाम से, पुरस्कारों से नवाजा था। जी बिल्कुल, देखिए सरकारों ने इनको काफी पुरस्कारित किया था और ना ही केवल सरकारों ने लेकिन अन्य कई संस्थाएं हैं जिन्होंने इनको ऑनर किया और कहीं ना कहीं ऐसे काम के लिए जिसके लिए पूरा देश जो है आस लगाए बैठा था कि कब जो है वो 41 लोग जो है टनल से सेफली बाहर आ पाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो एक असंभव काम जो दिख रहा था उसको इन्होंने संभव करके दिखाया था। लेकिन अभी जो है वकील हसन यही कह रहे हैं कि उन्होंने एक घर बहुत पहले खरीदा था और अब जो है उनको ये घर वापस चाहिए है और उनकी सरकार से भी जो है ये एक ही मांग थी कि अगर उनको कुछ अवार्ड दिया जाए तो वो यही अवार्ड होगा कि उनको उनका घर दे दिया जाए। अफसर, कौन कौन सी तारीख को डीडीए का जो क्लेम है कि पहले भी इनको नोटिसेस दिए जा चुके हैं, वो क्या डेट बताते हैं, कब कब इनको नोटिस दिया गया, जिससे कि वकील हसन लगातार इनकार कर रहे हैं कि उनको कोई नोटिस नहीं मिला है। बिल्कुल, वकील हसन ने साफ साफ कहा है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है और डीडीए के प्रेस रिलीज की बात करें तो पहले पैराग्राफ में ही उन्होंने यूज किया है कि 2016 और 2017 में उन्होंने नोटिस दिया था कि आप अपने इंक्रोचमेंट को हटाइए, जो इंक्रोच्ड एरिया है उसको हटाइए। और सिर्फ वकील हसन को ही नहीं, साथ में एक मिस्टर गोयल है उनको भी नोटिस दिया गया। ऐसे कुल 3 घर हैं उस इलाके में जिसे पहचान करके डीडीए ने नोटिस दिया था कि आपने इंक्रोच किया हुआ है सरकारी जमीन को और इसको आप हटाइए। 2016-17 के बाद से कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई नोटिस नहीं दिया गया। बिल्कुल, 2016 और 17 में दिया गया था। साथ में एक लाइन और जोड़ा गया है कि डेमोलिशंस वेयर अगेन शेड्यूल्ड इन सितंबर 2022 एंड दिसंबर 2022। चलिए, वकील हसन हमारे साथ जुड़ गए। वकील हसन साहब, सुन रहे हैं मेरी आवाज आप? जी, बोल रहा हूं। जी बताइए, क्या क्या हुआ, किस तरह से लोग आए? डीडीए का कहना है कि पहले भी आपको नोटिस सर्व हुआ है। 11 सर, ये ऐसा है, नोटिस वोटिस को अनम्यूट कीजिए, आप माइक को अनम्यूट कीजिए। आपका हाथ उस पर टच हुआ है, माइक को आप अनम्यूट कर। हाँ बताइए। यहाँ पे हमारे पास बिजली का बिल भी है, रजिस्ट्री भी है और पानी का बिल भी है और यहाँ पे आउटटैक्स तलक भर दिया है इन्होंने, तो वो कैसे डीडीओ की जमीन हो जाएगी? ये तो इनके मकान पे तोड़ा गया, इनका मकान जान बूझ के तोड़ा है डीडीओ वाले, इन्होंने रिश्वत नहीं दी इसलिए नहीं छोड़ा, इन्होंने रिश्वत दे देते छोड़ देते। अच्छा ये बताइएगा कि उनका कहना है कि आपने कुछ जमीन पर कब्जा किया हुआ है डीडीए की, वही कब्जा हटाने के लिए डीडीए की टीम पहुंची थी, इसमें कितनी सच्चाई है? लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, वकील हसन को दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। अफसर, ये जो बात आ रही है कि कुछ जमीन थी डीडीए की, दोबारा से हमारे साथ आ गए हैं, मेरी आवाज मिल रही है वकील हसन आपको? जी आ रही है। जी ये बताइए, मुन्ना कुरैशी बोल रहा हूँ। अच्छा मुन्ना कुरैशी, आप भी रेड माइनर्स की टीम में थे मुझे याद आ रहा है। जी जी। अच्छा ये बताइए, जो वकील हसन जिनका ये मकान गिराया है, डीडीए की तरफ से कहा गया कि कुछ जमीन थी जिस पर कब्जा किया गया और वो कब्जा हटाने डीडीए की टीम पहुंची थी।
कब्जा 30 साल पुराना पे कब्जा नहीं होता। 1987 की इसकी रजिस्ट्री एक है, 3 ओनर थे, 2 ओनर पहले थे, तीसरे ओनर ये हैं 2012-13 से ही। तो जब कोई चीज खरीदी जाती है उसे कब्जा नहीं किया करते, वो तो हमने खरीदी है, वो भी रजिस्ट्री बतौर। जी अफसर पूछिए आप। तो उस वक्त भी डेमोलिशन ड्राइव के तहत कुछ हिस्सा तोड़ा गया था और वकील अहमद को, वकील हसन को ये बात पता थी कि 2016 में भी तोड़ा गया है। आज 16 में थोड़ा सा किनारा तोड़ा था इन लोगों ने, वो भी बिन नोटिस के। नहीं, लेकिन डीडीए कह रहा है कि उन्होंने नोटिस दिया था और उसके बाद तोड़ा था, और उसके बाद उस हिस्से को आपने दोबारा से बना लिया, मतलब इंक्रोचमेंट फिर से किया है, डीडीए ये कह रहा है। नोटिस दिया तो कोई नहीं बना हुआ, जैसा था वैसे ही था, आगे से हमारा खाली था, बिल्कुल वैसा का ही वैसा है। मैं आज भी आपको दिखा सकता हूँ, ये रहा ये किनारा पुराना, वैसा का वैसा था, ये जो पाइप दिख रहा आपको, इससे पीछे पीछे बना हुआ था, आगे का हिस्सा इन लोगों ने तोड़ा, जरा ये जो हिस्सा है ये आगे आगे का तोड़ा गया था। जी अच्छा, पूरा दिखाइएगा आप, ये कितना हिस्सा तोड़ा है, पूरा दिखाइए कितना हिस्सा ये तोड़ा है। तो अभी आज तक बनाया नहीं, 2016 के क्या क्या था इसमें शामिल, क्या कोई कमरा था या सिर्फ दीवार थी? कितनी जगह थी ये जो तोड़ी गई है, टोटल कितने गज में थी? सर टोटल 80 गज बनी हुई थी ये, और इससे पहले जो 2016 में तोड़ी थी इन्होंने, आगे से थोड़ी जो छज्जा सा होता वो तोड़ा था इन्होंने, वो भी बिन नोटिस के तोड़ा था इन्होंने। नोटिस हम पे उस दिन भी नहीं दिया और आज भी नहीं दिया, और ये आज कितना तोड़ा, पहले छज्जा तोड़ा था, आज बताइए आज कितना तोड़ा है? 80 गज पे आप बता रहे हैं कि मकान है आपका, कल इन्होंने 28 तारीख को बुधवार को पूरा तोड़ दिया। अच्छा पूरा 80 गज का 80 गज तोड़ दिया, इन्होंने बिन नोटिस के तोड़ा है, इन्होंने गैर कानूनी काम करा है। नहीं तो आप कह रहे आस पास यहाँ पे सब मकान है, ये देखो ये मकान है, ये रहे लैंडकारी से सब मकान है, और इनका भी बना हुआ है, बोरा वहाँ पे है, बाकी वकील हसन साहब अकेला दिखा था इन्हें डीडीओ वालों को। कहाँ है वकील हसन अभी? वकील हसन साहब अंदर है, वो उनकी कैसे रोड पे बैठे हुए हैं, ये रहे सब सामान रोड पे रखा है। मेरी बात कराइए वकील हसन, वकील हसन से अगर बात हो जाए। ये देखो जिनका ये मकान है, रात इन्होंने नई दीवार बना दी यहाँ पे, ये सब दीवार इन्होंने नई बना दी, और ये देखो अंदर ये तोड़ा गया है सब। वकील हसन साहब अंदर हैं, वो रहे। आपने सामान वगैरह बाहर निकालने का आपको मौका दिया था कि आप सामान बाहर निकालिए? सर इन्होंने सामान निकालने का मौका क्या दिया, जो लड़के थे ना मोहल्ले के हैं कि आस पड़ोसी जी, इन्होंने तो डीडीओ वालों ने तो इनके साथ बहुत बेतुका व्यवहार कराया, और इनका घर मकान बच्चों को मारा भी। इनके एक बेटा है अजीम, उसे मारा, इनकी बेटी है अलीजा, उसे भी मारा इन लोगों ने, चांटे मारे, और उन्होंने उनका घर का गेट तोड़ के जब अंदर घुसे, उन्हें बाहर निकाल के इनका आधा सामान तो अंदर ही दब गया। वकील हसन आपके आसपास हैं? हाँ वकील हसन साहब, मेरी बात कराइए, वो उनको बोलिए इंडिया न्यूज बात करना चाहता है। सामने मीडिया वाले हैं, उनके साथ में थोड़ा सा। आप उनके भाई हैं? ये आप वकील हसन के भाई हैं? मैं मुन्ना कुरैशी, उनके उनके दोस्त हैं हम, जो साथ में हम उत्तराखंड काशी गए थे जी। अच्छा आप दोस्त के अंदर उन लोगों को निकाला। आप भी पड़ोस में ही रहते हैं? जी हाँ पड़ोस में ही रहते हैं हम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अफसर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। और ये सिलक्यारा में जो रेट माइनर्स गए थे, वहाँ जिस तरह से रेट माइनर्स की मदद से उन 41 मजदूरों को निकाला गया था, उन रेट माइनर्स में जो टीम लीडर थे उनमें वकील हसन और मुन्ना कुरैशी, जिनसे अभी हमारी ये बात हो रही थी, ये दोनों ही लोग उस टीम में शामिल थे, और उन्हीं ने आरोप लगाया है जो आरोप था
वो आपके सामने है कि उनका घर जमींदोज कर दिया गया बुलडोजर ला के गैर कानूनी बताकर।